आज मैं बना रही हूँ पालक का कापा। ये मैंने पालक काट दिया है और यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अभी तेल डालूंगी मैं इसमें। यह है लहसुन और यह है प्याज और मैं डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि हरी सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी होती है। गया है और फिर मैं इसमें डालूंगी लहसुन और फिर डालूंगी मैं इसमें प्याज, फिर इसमें मैं डालूंगी पालक। इसमें पानी नहीं डालना है, इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के रख देंगे तो इसमें अपने आप ही पानी हो जाता है, हरी सब्जी में पक जाएगा ये। इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये पालक पक रही है, मैंने इसको ऐसे घोट घोट के पका लिया अच्छे से। इसको अभी 2-3 मिनट और पकाऊंगी। जब ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा साइड से, फिर इसमें मैं थोड़ा सा आटा डाल दूंगी। मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें अपने हिसाब से मुझे जितना पानी चाहिए मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और ये गर्म पानी डाल रही हूँ मैं, ठंडा भी डाल सकते हो आप, गर्म पानी से थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसको फिर मैं उबालने के लिए रख दूंगी आधा एक घंटा। आधे घंटे में हो जाएगा क्योंकि मैं गर्म पानी भी डाल रही हूँ। मेरी सब्जी, मेरा कापा तैयार हो गया है, पालक का कापा। ये ऐसे ग्रेवी ग्रेवी वाला होता है, इसके साथ चावल खाने में बहुत मज़े आते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। दोस्तों आज हम बना रहे हैं नींबू, सान रहे हैं। मैंने सेब लिया है, केला लिया है और यह है बड़ा वाला नींबू। ये देखो इतना बड़ा नींबू। और यह है गुड़, यह है दही और ये है हमारी मस्त भांग की चटनी। इसमें मैंने पुदीना भी डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है और भांग डाला है और नमक भी डाला है और ये चीनी भी है थोड़ा सा और ये गुड़ है। इसको इसको भी सब काट काट के फिर मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट। मैं ना इसमें ऐसे बीच से कट लगाती हूँ ना, ताकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये छीलने के लिए भी सही रहता है। छिकल मैं बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ। ये देखो सारा मैंने इसका निकाल दिया है, सिर्फ मैं अंदर का ये निकालती हूँ। ऐसे करके इसमें ये अच्छे से पीस निकल के आ जाते हैं नींबू के। और ये दाने भी मैं हटा लेती हूँ। ये ऐसे करके ना मुंह में पानी आ रहा है नींबू। ये देखो, देखा मेरी टेक्निक कैसी लगी, मेरी टेक्निक। यासु कह रही इसमें से पानी, इसमें पानी डाल लगा वाल। मैं पानी डाला, इसमें पानी डाला है और तभी ये यहाँ से हटी है, क्योंकि बार बार इसी के ही मुंह में जा रहा था ना ये चीटे। मुझे जब भी मैं नींबू बनाती हूँ ना, मुझे स्कूल की याद आ जाती है। ये देखो मैंने इसमें केले भी काट लिए और चीनी भी डाल दी और ये मैंने गुड़ भी डाल दिया। ये वाला गुड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये जो हमने चटनी बनाई थी, पहले मैं थोड़ा ही डालूंगी, इतना डाल देती हूँ। फिर अगर नमक मिर्च अगर कम लगा तो फिर और डालूंगी। ये मिक्स हो रहा है, आप लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? मुझे ना इसकी तरी बहुत अच्छी लगती है, पीस तो मैं खाती हूँ नहीं, लेकिन मेरे गले में दर्द हो रही है। नींबू खाने से और हो जाएगी क्या? नहीं तो पता नहीं।
चलो यार आज तुम्हारे लिए ही है सारा, जितना इतना जी, इतना धोना खाऊंगा जी भर के खा लो, इतना धोना खाऊंगा वही मैं। चलो फिर इतना थोड़ा खाऊंगा मैं भी इंसान हूँ, कुछ नहीं होता, नींबू तो गर्म होता है वैसे भी। यासो मत करो बेटा, उसको दही गिरेगा वो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी दही 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 बाय 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 पालू का चालो चीता। दही यहाँ नैनीताल में बहुत गाढ़ा गाढ़ा मिलता है, यहाँ ठंडा इलाका हुआ तो ठंडी जगह पे बहुत गाढ़ा दही मिलता है। अच्छा अच्छा मिलता है, कितना अच्छा, बहुत ढेर सारा अच्छा। अच्छा ये दही पड़ रहा है, ये देखिए जी, आप लोग भी बनाते होंगे, जब आप लोग बनाओगे तो कमेंट कहते हैं हमको भी दिखाना, और कमेंट से में जरूर लिखना क्या दिखाना कि आपको वो भी बनाएंगे वीडियो, अगर वो बनाते होंगे तो, जो लोग बनाते हैं फोटो भेजना का हो ना, फोटो हमारे कमेंट बॉक्स में फोटो सेंड करना। और अब हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे, और फिर मिलते हैं आपको मुंह में पानी आ रहा है ना उनके, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे ज्यादा। थोड़ी पानी आ रही है, ये भी बहुत पानी आ रही है। लाओ कटोरी लेके आओ, पापा लाएंगे वो नींबू खा रहे हैं। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। ये मैं तो नहीं खा रही हूँ, मेरे गले में दर्द हो रही है। और मैं और यासु भी खा रही है नींबू। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होगे। और यासु को मैंने यहाँ पे दिलाई है भाप, क्योंकि उसको हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी और उसको जुकाम भी हो रहा है। ये देखो कितना पसीना हो गया उसको। और बताओ कैसे हो आप? आज तो नैनीताल का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कभी अच्छी धूप आ रही है और कभी मौसम बहुत ही ख़राब हो जा रहा है। नैनीताल में कितने सुंदर बादल लग रही है, इतना अच्छा मौसम, ठंडा बहुत होने लग गया अब तो इस बार नैनीताल में। इस साल शायद बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी नैनीताल में। ये देखो कल धोए थे मैंने कपड़े, ये बादल बादल कितने ज़्यादा बादल आ रखे हैं। कल मैं सुबह वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह को काम वाम रहता ही है, खाना वाना बनाना उसमें टाइम लगता ही, इसीलिए मैं खाने की वीडियो पहले बना दे रही हूँ, उसके बाद अपना बता रही हूँ कि कैसे क्या हो रहा है करके। और वहाँ देखो पीछे यासी को, लो 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 करो आप भाप लो अपनी, बहुत ज़्यादा ठंड, एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना तो इस वजह से तबीयत वगैरह ख़राब हो जा रही है। बीच में मेरी भी हो गई थी, फिर उसके बाद इसकी हो गई है। ये तो कपड़े अपड़े पहनती है नहीं, दो दो पैजामा पहना रही हूँ, खोल के रख दे रही है, मोजे भी खोल के रख दे रही है, तब ऐसी हो रहा है। और आप बताओ कैसे हैं आप, क्या हो रहे हैं हाल समाचार? गले में दर्द तो थोड़ा थोड़ा मेरी भी है ही अभी, और बताना। यासी ने अपनी भाप ले ली है, अब उसको भी बात करने आना है, तो वो नीचे आ रही है। आ जाओ नीचे, आ जाओ, बात करनी है आपको। हाय गाइस, अभी मोजा मोला है। अच्छा बहुत मोजा मोला है। क्लाउड आ रहे हैं, वो कह रही है यहाँ बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। कल ही आपने भाप ले ली? अच्छा ऊपर को देखो ये। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखो धूप कितनी अच्छी लग रही है, और यासी यहाँ बड़े मजे से बैठी है धूप में, यासी और फोन में उसका प्रोग्राम लगा है, तब इतने शांत से बैठी है। ऐसे ही देखो धूप सेक रहे हो और फोन में प्रोग्राम देख रहे हो, इसका सही है, कभी किसका फोन मिल जाता है इसको, कभी किसी का, है ना। यहाँ को देखो धूप आ रही है ना मुंह में, तो आपका चेहरा सबसे दिख नहीं रहा है।
देखिए मौसम तो अभी कितना अच्छा हो गया, दिन में उतने काले काले बादल थे और अभी पूरा आसमान साफ है। ये देखिए सूर्य देवता अपने घर को जाने लग गए और यहाँ फूलों में भी पानी डाल दिया है। मुझे कपड़े उठाने हैं, कल धोए थे मैंने कपड़े। देखिए कितना अच्छा हो रहा है मौसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ओके आलू क्यूब मैं ऐसे काट लिए हैं, दो आलू हैं ये, आप अपने हिसाब से आलू बढ़ा सकते हैं। मैं इनको इसमें डाल दूँगी कुकर में और ये मेरा छोटा ग्लास है, मैं इससे इसमें इतना पानी डाल दूँगी और इसको उबाल दूँगी। एक सीटी आने तक इसको उबाल देती हूँ। तेल मैंने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, गर्म भी हो गया है। इसमें मैं डालूँगी अजवाइन और थोड़ा सा डालूँगी मैं ज़ीरा। मैं टमाटर डाल दूँगी और साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी। आज मैंने प्याज भी डाला है। तो मैं डाल दूँगी थोड़ा मसाले, थोड़ा सा हल्दी और ये कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी, इससे कलर अच्छा आता है। और ये धनिया पाउडर, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा कसूरी मेथी, हरी मिर्च से मुझे खांसी हो रही है। अच्छे से इसको मसाला ऐसे भून भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। टमाटर भी मेरे सारे अच्छे से गल गए हैं ये देखिए। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। और मैंने कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिए थे, कटिंग करके करे थे मैंने, इससे जल्दी भी हो जाता है। ये हो गया, डाल दिए हैं इसमें। और फिर मैं हमें जितना पानी चाहिए मैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल दूंगी। कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखो हमारी सब्जी पक रही है। ऐसे मैं इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊंगी। कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। आज मैंने प्याज भी नहीं डाला है, लहसुन भी नहीं डाला है। कभी कभी सिंपल खाना भी खा लेना चाहिए। बस मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। गाइस मिलेंगे आपसे कल, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यासु को मैंने बाम लगा दिया है और उसको मैंने दवाई भी खिला दी है। ओके मिलते हैं आपसे कल, बाय 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 बाय।